सिविल लाइन स्थित मेट्रो हाउस में गणतंत्र दिवस के निमित्त ध्वजारोहण महामेट्रो के प्रबंधन निदेशक डॉक्टर ब्रिजेश दीक्षित के हस्ते संपन्न हुआ। उपस्थितियों को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए प्रबंधन निदेशक ने कहा कि परिवर्तन संसार का नियम है। अल्प वर्ष में महामेट्रो की टीम ने लगन और परिश्रम के बूते पर अपने लक्ष्य को हासिल कर नागरिकों के लिए सुगम और सुरक्षित यातायात की सुविधा उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा कि 50 माह की अवधि में 25 किलोमीटर मेट्रो लाइन का नेटवर्क तैयार किया गया। हाल ही में एक्वा लाइन की 11 किलोमीटर लोकमान्य नगर मार्ग पर मेट्रो यात्री सेवा प्रारंभ की जा रही है। डॉक्टर दीक्षित ने कहा कि मेट्रो हाउस महामेट्रो का फाउंडेशन है। 5 वर्ष के कार्यकाल में हमने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। नागपुर के अलावा पुणे, ठाणे, नासिक में मेट्रो के कार्य की शुरुआत भी यहीं से हुई है। उपलब्धियों के लिए महामेट्रो की मेहनत और उनके परिवारजनों के अप्रत्यक्ष रूप से दिए गए सहयोग के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए डॉक्टर दीक्षित ने कहा कि वाकई में महामेट्रो की टीम ने कार्य कौशल के द्वारा चमत्कारिक प्रदर्शन किया है। मेट्रो के कार्यों से कहीं अधिक यात्री सेवा महत्वपूर्ण होने का जिक्र करते हुए कहा कि यात्रियों का समाधान होना और उनके अनुकूल कार्य होना सर्वोपरि है। हमारी भूमिका महज 1% है, जबकि यात्रियों की भूमिका मेट्रो सेवा को सफल बनाने में 99% है। उन्होंने मेट्रो कल्चर बनाने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य यात्री सेवा है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।